एक तरफ जहां घोसी में मतगणना स्थल पर काउंटिंग लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार ये सवाल उठ रहे कि मतदान के बाद से ही दारा सिंह चौहान कहां चले गए। एक तरफ जहां वोटिंग के बाद से ही सुधाकर सिंह लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं, जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं दारा सिंह चौहान कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मतगणना के समय जब हमने दारा सिंह चौहान के बारे में पता किया तो हमें मालूम हुआ कि वो मतगणना स्थल से 1 किलोमीटर दूर अपने समर्थकों के साथ रिजल्ट का इंतजार करते मिले। हालांकि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि मतगणना स्थल पर सपा के कार्यकर्ताओं के बीच हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में घोसी उपचुनाव की मतगणना चल रही है। कुछ ही दूरी पर बीजेपी ने अपना एक चुनावी कैंप कार्यालय बनाया है, खास करके मतगणना को देखते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम बीजेपी के वर्कर्स हैं जो घोसी क्षेत्र के भी हैं और दूर दराज इलाकों से भी आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और पल पल की रिपोर्ट पर नज़र रख रहे हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन में भी जो है अपडेट देखा जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो उत्सुक हैं इस बात को लेकर के कि रिजल्ट कब फाइनल होता है। हालांकि अभी फिलहाल जो है वो सुधाकर सिंह आगे बताए जा रहे हैं और ये जो जगह है आप देख सकते हैं मतगणना स्थल से कुछ ही दूरी पर है और यहीं पर जो है वो दारा सिंह चौहान जो हैं सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन यूपी तक की टीम ने उनको पकड़ा है और वो इसी जो डीके ट्रेडर्स करके एक फॉर्म है यहीं पर, ये उसी के आगे जो है ये कैंप कार्यालय बनाया गया है अस्थाई, वहीं पर इसी अंदर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि हमसे उनसे मुलाकात तो हुई लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम अभी बात नहीं करेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुधाकर सिंह चूंकि अभी फिलहाल आगे चल रहा है तो उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? रवि चौहान। ये बताइए, सुधाकर सिंह तो अभी आगे चल रहा है तो किस तरह से देखते हैं आप लोग इसे? अभी 27 राउंड बाकी है तो हो सकता है कि आगे कुछ चेंज हो। अरे, ये चर्चा है सुबह से कि दारा सिंह चौहान नहीं है, गायब हो गए हैं, तो कहाँ है दारा सिंह जी? यही है। यहीं पर? हाँ, तो देखा जा सकता, न्यूज में देखे सुबह में, मैं न्यूज में देखा था G20 में, तो यहीं पे दिखाई दे रहा था। हाँ, तो वो जो है दारा सिंह चौहान जो है यहीं पर मौजूद है और कार्यकर्ता बाहर इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि फाइनल रिजल्ट कब आता है। उदय गुप्ता, मऊ, यूपी तक। बता दें कि उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। घोसी उपचुनाव के परिणाम पर सबकी नजर है। शुरुआती रुझानों में सपा ने बीजेपी पर बढ़त बना ली। सपा के सुधाकर सिंह के समर्थकों की खुशी अब उनके चेहरे पर देखने को मिल रही। उन्हें लगने लगा है कि लीड अब कम नहीं होगी। वहीं बीजेपी के दारा सिंह के समर्थकों को उम्मीद है कि बाजी पलटेगी। फिलहाल फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।